सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिश्नोई भाई। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिश्नोई चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। सो यार फाइनली अभी जो इलाइट पास आने वाला है, तो ये है वो इलाइट पास अभी जो आएगा। ये कुछ डांसिंग या तो स्पेस क्रेफ्ट का होगा ये, मतलब इलाइट पास 14 का। तो बहुत ही धासु मतलब ये इलाइट पास है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि अभी से डायमंड कलेक्ट करना शुरू करो और ये लाइट पास ज़रूर लेना। इसका अभी मैं जब पूरा रिव्यू आ जाएगा मैं वो पूरा रिव्यू आपको दूंगा। बट अभी जो इवेंट जो अपडेट आने वाले हैं तो वो अपडेट पूरा इस वीडियो में है, पूरा अंत तक देखना। एंड बता दो, वीडियो से शुरू करने से पहले ये वीडियो मेरा नहीं है, ये इंडोनेशिया का एक सर्वर का वीडियो है, तो मैंने जस्ट वहाँ से लिया है। तो बता दूंगा पूरा एकदम लास्ट तक, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, जो है यहाँ पे वही आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा एकदम धासु जैसा एक यहाँ पे, मतलब अगर बात की जाए तो डांसिंग कुछ डीजे कुछ तरह है देखा जाए तो, ठीक से। तो यही टॉपिक में लेके इलाइट पास आएगा, ठीक है। डीजे या तो कुछ स्पेस क्रैफ्ट का ही होगा, नहीं मेरे हिसाब से 100% तो 80% मेरे हिसाब से जाता है डांसिंग, कुछ डांसिंग के तरफ ही इशारा करता है ये ड्रेस और ये मतलब कॉस्ट्यूम देख के ही। तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह ही मतलब ये आएगा। एंड बात करते हैं इस बार जो अपडेट आने वाला है, मेरे हिसाब से बहुत ही धासु अपडेट है और कुछ समर वेकेशन की तरह ही होगा इसका मेरे हिसाब से। एंड ये देख सकते हो पूरा भाई जो ड्रेस है ना, एकदम आग लगाने वाला ड्रेस है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी से। इतना बाल कैसे देख रहे हो, और वो जो राइट साइड में जो लड़की का जो ड्रेस है ब्लू कलर का, मतलब एकदम मतलब आग लगा दे रहा है भाई, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ। एंड इसका बाल का जो हेयर कटिंग है ना, वाह क्या बात है यार, बनाने वाले ने भी क्या बनाया है। तो गाइस ये अपडेट जल्दी आने वाला है, इंडोनेशिया है, देख यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया सर्वर से है अभी, अभी इंडोनेशिया सर्वर में आया नहीं, बट आ जाएगा इंडोनेशिया सर्वर में भी, आई थिंक चल रहा है, मेरे हिसाब से कुछ आइडिया नहीं है, बट इंडोनेशिया सर्वर में भी आई थिंक अपडेट शुरू हो चुका होगा, बट हमारे इंडिया में तो आने वाला बाकी है। तो हमारा जो यहाँ पे जब स्टार्टिंग गेम होगा तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा सब। तो चेंज होने के बाद यहाँ पे कुछ इवेंट्स है, एंड आपको जब नया जब अपडेट आ जाएगा तो मेरे हिसाब से मेरा आइडिया से कहता है कि यहाँ पे 200 डायमंड आपको लॉगिन पे मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन इवेंट है, 200 डायमंड आपको मिलेगा फ्री में, ठीक है। तो ये कितना 100% श्योर है और कितना श्योर नहीं है मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा, और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर पूरा चारों तरफ फैला देना। एंड यहाँ तो इंडोनेशिया के सर्वर में चल रहा है, तो हमारे इंडिया में जल्दी आने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक चेंज हो जाएगा, ये जहाँ पे आप मतलब टीम ऐड करोगे वहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड रही बात दूसरी, आपको एक नया एक मैप देखने को मिलेगा, नया एक मतलब मोड देखने को मिलेगा। तो ये मोड कैसा होगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मोड बहुत ही ज़बरदस्त होगा, कुछ तरह से मतलब बहुत ही अच्छा मोड होने वाला है। एंड आपको एक नया पेड और नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, उसमें बता रहा हूँ पूरा एकदम लास्ट तक देखना, उसमें एक ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टर एकदम धासु है, बताया जाए तो ये कैरेक्टर, ये जो अभी ड्रेस जो आया है ना, ये ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ये इस कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होगा अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर इन फ्यूचर हमें पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर कम्युनिटी ऐप में या तो आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एंड बात की जाए तो आपको लॉगिन करने का जो 200 डायमंड है ऐसे मिलेगा, ठीक है, 200 डायमंड आपको लॉगिन करने में मिलेगा। एंड हमारे सर्वर में मिलेगा कि नहीं पता, वो मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इंडोनेशिया सर्वर में आपको लॉगिन करने के बाद ही 200 डायमंड दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि फ्री फायर पहली बार कुछ डायमंड फ्री में दे रहा है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये देखते हो यहाँ पे ये कैरेक्टर एक डायमंड में, मतलब ये इंडोनेशिया का है तो इसलिए एक डायमंड है, ठीक है, टेंशन मत करो। बाकी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड में आएगा, यहाँ पे एक डायमंड दिखा रहा है लेकिन एक डायमंड नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एक डायमंड में तो कुछ मिलने वाला है नहीं है, ठीक है। एंड रही बात जो अभी नया पेड आने वाला है, ठीक है, तो पेड का तो मैं सुन के कसम से मेरा सर घूम गया, क्योंकि जो पेड हमारे पास है वो कम है, क्या बताओ। एंड इसका ये देखो, ये इमोट्स मुझे बहुत पसंद आया, ये देखो इसका जो मतलब घुमाने का गन घुमाने का जो आइडिया है ना, बहुत ही धासु तरीके से बनाया है गिरने वालों ने, एकदम मतलब एकदम हाई लेवल का, मतलब क्योंकि बगल से निंजा जैसा मतलब गन निकाल के और शूट करना एक मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और आप लोग ये एक एक डायमंड देख के ना मतलब सर चकराना मत, ये दूसरे सर्वर में कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब बाकी और कुछ नहीं है, हमारे सर्वर में जब आएगा तो अपना पूरा डायमंड के साथ ही आएगा, ठीक है। एक डायमंड के टेंशन में मत जाना, नहीं तो बाद में बोलोगे भाई इधर तो एक डायमंड है और हमारे यहाँ पे तो हाला हज़ार डायमंड देके भर रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड रही बात इसका जो कैरेक्टर का मूविंग मतलब मूव टाइम है ना, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसका गन निकलने वाला जो एक्शन है वो भी मुझे बहुत मस्त आया, मस्त लग रहा है। एंड रही बात इस अपडेट के बाद, मेरे हिसाब से गेम का थोड़ा जो ग्राफिक्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड सेटिंग्स में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, सेटिंग्स थोड़ा और भी इम्प्रूव होगा सेटिंग्स। एंड आई होप इन फ्यूचर आपको
पबजी की तरह ऑल माइक पिक पे मिले, ठीक है, तो मैं बहुत मतलब खुश हो जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए। मतलब जैसे कि समझ लो अगर मैं एक ऐसे यूट्यूबर, अगर कोई सारे बंदे मुझे देखते हैं और जानते हैं, सब लोगों के साथ बात करने में मज़ा आएगा, सब लोग एक ही साथ लॉबी में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखो वो अपडेट का एबिलिटी, तो ये एबिलिटी मेरे सबसे गन का एबिलिटी होगा, मतलब कुछ गन डैमेज ज़्यादा होगा या तो कुछ अलग तरीके से मतलब डैमेज ज़्यादा ही देगा। यहाँ पे साइलेंसर ही मुझे दिख रहा है इसका एबिलिटी का, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा एबिलिटी, शायद गन के ऊपर है इसके। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा गन का अगर एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है इस कैरेक्टर के थ्रू तो बहुत ही अच्छा होगा। डैमेज मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के थ्रू मतलब डैमेज थोड़ा ज़्यादा होगा, एंड अदरवाइज मेरे हिसाब से मेरा जितना आइडिया बता रहा है उतना ही बता रहा हूँ। अगर आप देखा जाए तो गोली करने का जो रेंज होगा और डैमेज होगा वो शायद इस कैरेक्टर लगाने के बाद मेरे हिसाब से दुगना हो जाए या तो उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दे। तो आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिक अपडेट है मेरे हिसाब से, तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, एंड देखते हैं हम लोगों में कितने लोग इसको मतलब पसंद करते हैं एंड कितने लोग इसको मतलब अच्छे वाले रिकमेंड करते हैं, तो देखने वाली वही बात है। एंड रही बात इस कैरेक्टर का जो पेड आया है, जो पेड मैंने बताया था मुझे पहले सच बता दूँ, जब कोई कोई बोल रहे थे ना पंडा आने वाला है तो मैं हंसा, क्योंकि भाई देखो ऑलरेडी जो 3 पेड है हमारे पास वो कम है क्या, जब अभी पांडा भी आ गया, तो पांडा लगा है तो अभी शायद फ्री फायर के मैदान में भास जो बेम्बू का बेम्बू लगाना पड़ेगा, क्योंकि पांडा को तो बेम्बू खाना पसंद है, बेम्बू का पत्ता, तो इसलिए मतलब मैं हंस रहा था कि अभी शायद पांडा आ गया तो पांडा का साथ साथ बेम्बू भी खाना पड़ेगा। तो ये देखो पांडा, ठीक है, अरे कहाँ गया पांडा, नहीं ये रहा, तो ये देखो पांडा, ठीक है, तो ये पांडा का मतलब कहाँ गया, अरे दिखाओ ना यार, ये रहो पांडा देखो एकदम मस्त है यार ये पांडा, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इसका कॉम्पू जो पांडा है ना, आप लोगों ने अगर वो देखा होगा खुजा रहा है देखो कैसे। तो इसका इसका और एक चीज़ है, आपको 7% ईपी दे सकता है, ठीक है, मतलब आप अगर इसको लेके भागोगे तो मेरे हिसाब से इसके थ्रू आपका ईपी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको ईपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस पांडा का थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब एडवांटेज यही है कि आप इसको लेके और इमोट भी देख सकते हो, एकदम धासु वाला इमोट है। अगर आपने पांडा का मुंह ये देखा होगा, देखो देखो चॉकलेट खा रहा है, अरे अरे अरे, और इसका स्किन भी एक है, बहुत ही मज़ेदार है यार, देखो देखो वाओ नाइस है, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पांडा को लेके भागना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, पांडा उधर उधर भागेगा और आप लोग उधर उधर भागोगे, तो यार पांडा को लेके देखते हैं पांडा कितना अच्छा होगा, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा है, तो देखेंगे कितना अच्छा होता है। एंड रही बात ये अपडेट, आई थिंक मेरे हिसाब से जल्दी देखने को मिल जाएगा, ये महीने के लास्ट तक आई थिंक ये अपडेट आ जाएगा, जब इलाइट पास रिलीज़ होगा ना, तो इलाइट पास के साथ साथ ये अपडेट भी आई थिंक ये कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। एंड इलाइट पास की बात कर दूँ, जब मुझे इलाइट पास के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैं आपको तुरंत वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। एंड अभी जो इलाइट पास के बारे में बता रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो फेक ही होगा, क्योंकि मैं तो पूरा रिकमेंड करता हूँ कि ये अभी जो देख सकते हो गेम स्टार्ट होने के बाद जो अभी आ रहा है तो वही होगा, वो डांसिंग मतलब क्या कहते हैं उसे, जो डीजे की तरह होता है ना, तो डीजे की तरह कुछ डीजे को लेके ही मतलब ये इलाइट पास होगा इस बार, तो मेरे हिसाब से एक बार आया था वो डीजे एक बार, तो उसकी तरह कुछ कॉम्बिनेशन मिला होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया यार, क्योंकि देखो हर चीज़ हमें कुछ ज़्यादा से नहीं मिलता, ठीक है। एंड अभी और एक चीज़ नया आ रहा है, आपको गन से मतलब वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकते हो, ठीक है, एक गन स्किन है, सॉरी गन है, नया गन एक आने वाला है, वो गन मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो वो गन क्या करता है मैं बता दूँ, वो गन आप अगर कॉल ऑफ ड्यूटी खेले हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी में एक गन होता है जो आप कहीं पे भी दीवार पे मार दो और आपको खींच के लेके चला जाता है, तो वो गन अभी फ्री फायर में देखने को मिलेगा। वाह ताली मारो क्योंकि सब गेम का मज़ा एक गेम में मिलने वाला है, ठीक है, तो टेंशन मत करो, वो भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ वो अपडेट वो गन कैसा है, ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और लास्ट में है वो वीडियो वो गन, ठीक है, आओ। तो वो है वो गन, देख लो एकदम मस्त गन है, आप इसको जब जहाँ पे एम करके गोली मारोगे वो आपको खींच के लेके जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बहुत बड़ा अपडेट है यार, और सबको पहुँचा देना ये शेयर करके। तो मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, तो आई सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय, और ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है तो सबको शेयर करना, आई सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी फुकड़ भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से, भटके जो लेते झड़प पैसा हट्टा वट्टा ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने, हाँ।